रोहिणी जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ की टीम ने ऑपरेशन पैंथर क्लॉ के तहत आम लोगों में दहशत का पर्याय बन चुके गोगी गैंग के एक सक्रिय बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने हाल ही में एक शख्स से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। यही नहीं, आरोपी गिरोहों के अन्य सदस्यों को अपराध करने के लिए आश्रय, हथियार और अन्य सुविधाएं मुहैया कराता था। दरअसल इस संबंध में रोहिणी जिले के DCP डॉक्टर गुरिकबाल सिंह सिद्धू के मुताबिक बीते 15 फरवरी को एक शख्स से फिरौती की मांग के संबंध में बुद्ध विहार थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में पीड़ित शख्स ने आरोप लगाया था कि एक अज्ञात नंबर से उसे कॉल आया और उसने खुद को रोहित मोई यानी गोगी गैंग का सदस्य बताया। कॉलर ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, साथ ही पैसे न देने पर जवान से मारने की धमकी दी थी। इसके साथ ही मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों ने पीड़ित युवक पर उस समय गोली चला दी थी जब वो अपने कार्यालय में बैठा था। हालांकि पुलिस ने मौके से एक आरोपी संतोष बिहारी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा उसके साथी को पकड़ने के लिए स्पेशल स्टाफ की एक टीम का गठन किया गया। बीते 14 मई को दिनेश कराला के सक्रिय सदस्य मंजीत उर्फ मोनू को लेकर मामले में शामिल शूटरों को आश्रय वाहन और हथियार उपलब्ध कराए थे। इस संबंध में पुलिस को उसकी मूवमेंट के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के भी स्पेशल स्टाफ ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने एक्टिव मेंबर ऑफ गोगी गैंग के मोनू अलियास मंजीत को कराला गांव से गिरफ्तार किया है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट जो गोगी गैंग के हैं उनके मेंबर को ये वेपन्स, व्हीकल और शेल्टर, लॉजिस्टिक वगैरह दे करके सपोर्ट करते थे और इस तरह से अरेस्ट करने के बाद अभी विशेष तहकीकात जारी है। दरअसल स्पेशल स्टाफ की टीम में तैनात एक पुलिसकर्मी को गोगी गैंग से जुड़े सदस्य के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई, जिसको देखते हुए तुरंत पुलिस टीम ने दिल्ली के कराला गांव में ट्रैप लगाया और मंजीत नाम के व्यक्ति को धर दबोचा। साथ ही जानकारी के मुताबिक जब पुलिस टीम ने मंजीत नाम के व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि वह गिरोह के अन्य सदस्यों को हथियार व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराता था। बहरहाल इस मामले को लेकर और गोगी गैंग के सदस्य जो मंजीत है उसको गिरफ्तार कर आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।